नगर निगम के दो पार्षदों के निधन के बाद रिक्त हुए वार्डों के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी पंडित दीनदयाल शर्मा ने सोमवार दोपहर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सावित्री गुर्जर बुधवार दोपहर उपचुनाव के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेगी। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस संगठन पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगा और विजय हासिल करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी पंडित दीनदयाल शर्मा ने बताया कि पिछले चुनाव में शर्मा को क्षेत्रवासियों ने 1950 वोटों से जीत दिलाई थी और इस बार भी वह चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। साथ ही शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी धन्यवाद दिया। वार्ड 52 के अंदर हो रहे उपचुनाव में सबसे पहले तो मैं माननीय सचिन पायलट साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनाया और पिछले 2015 के चुनाव में मैं ही कांग्रेस से प्रत्याशी था और 1928 वोट मुझे भारी मतों से मेरे वार्ड वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया और अब मुझे विश्वास है उसे डबल वोटों से मुझे आशीर्वाद देंगे। अजमेर नगर निगम के लिए दो वार्डों के लिए चुनाव होने हैं जिसमें आज पहला नामांकन आया है वार्ड नंबर 52 के लिए और दूसरा वार्ड है 22 के लिए। उसके लिए अभी तक कोई नामांकन नहीं आया। 52 नंबर वार्ड के लिए आज पहला नामांकन इन्होंने प्रस्तुत किया है दीनदयाल शर्मा ने INC की तरफ से। चुनाव 4 तारीख को होने हैं, 6 को काउंटिंग होनी है। मोटा मोटा जो प्रोग्राम आया है वो ये रहा है। पहला नामांकन पत्र, नामांकन की आखिरी डेट कल रहेगी दाखिल करने की। मंगलवार तक नाम नॉमिनेशन भरे जाएंगे, 24 को जांच होगी और 26 को वापस लिए जा सकते हैं। ये डेट रहेगा प्रोग्राम के हिसाब से और आवश्यक हुआ तो चुनाव 4 तारीख को संपन्न होंगे और 6 तारीख को काउंटिंग होगी। काउंटिंग 8 बजे से होगी, 9 में जो वोटिंग होगी उसका टाइम 7 से 5 तक। और हम सबकी पसंद आजाद स्वीट्स अजमेर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।